कर्नाटक की बजरंग बली की, बजरंग बली की। सांप नालायक बजरंग दल बैंड से लेकर बजरंग बली की जय और चुनाव आयोग तक पहुंचे। कर्नाटक की संप्रभुता जैसे बयानों के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव का भविष्य 10 मई को ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 13 मई को नतीजे बसाना बाकी है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को करीब 72.67% मतदान हुआ। अब रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार 10 पोल्स में से 4 में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 1 पोल भाजपा को बहुमत दे रहा है। 5 सर्वे में हंग असेंबली है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। JDS को 21 से 28 सीट के साथ 5 सर्वे किंग मेकर बता रहे हैं, यानी 2018 की तरह एक बार फिर JDS के बिना कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा 91, कांग्रेस 108, JDS 22 और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है। ये सब अभी का हिसाब किताब है, बस नतीजे 13 मई को आएंगे। सरकार बनाने के लिए 113 विधायक चाहिए। चुनाव के एक्सपर्ट का मानना है कि बजरंग दल बैंड पर भी हुए ओपिनियन सर्वे में 44% लोगों ने माना है कि कांग्रेस को घाटा होगा। वहीं जी न्यूज़ मैट्रिक्स के सर्वे में कांग्रेस के बजरंग दल बैंड पर भी सवाल किया गया। 44% लोगों ने कहा कि इससे कांग्रेस को घाटा होगा, 22% बोले फायदा होगा और 19% ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल चुनाव के नतीजे 13 मई को आ जाएंगे, इसके बाद ही डिसाइड होगा कि कर्नाटक का अगला CM किस दल से बनेगा। चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल सकेगा कि किसको सत्ता मिलेगी और किसको वनवास मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।